उसको तो पता है कि जो बिजनेस इन्वॉलवमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के इन्वॉर्वमेंट से घिरा होता है इंटरनल इन्वॉर्वमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वॉर्वमेंट जैसे कि उसके वैल्यूज मिशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है लेबर यूनियंस कौन से हैं फिजिकल रिसोर्सेज क्या है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि उसकी खुद के इंटरनल इन्वॉवमेंट जिसपे कि उसकी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस वो उस पर डिपेंड होती है कि उसके इंटरनल इन्वॉर्वमेंट कैसी है वहीं पे दूसरा इन्वॉयरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन घिरा होता है जहां पे एक्सटर्नल गवर्मेंट को हम माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करते हैं माइक्रो इन्वॉर्मेंट जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो गए कस्टमर्स कंपिटर मार्केट सप्लायर इंटरमीडियट हो गए इसी तरीके से माइक्रो में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल लीगल सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल डेमोग्राफिकल ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए माइक्रो जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं जिस पर ऑर्गनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता माइक्रो जो कि थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं और इंटरनल तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वॉमेंट होता है तो ये सारे इवॉयमेंट जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल मोर्मेंट इन्हीं के ऊपर जो है बिजनेस की स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ये सारे फैक्टर यहीं पर होते हैं तो इन इन्वायरमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं कोई इशूज होते हैं कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड चल रहा होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई एक्सपेक्टेशन कोई होती हैं तो इवेंट इशूज ट्रेंड एक्सपेक्टेशन ये चारों चीजें इस इन्वायरमेंट में होती हैं चाहे वो इंटरनल में होंगी चाहे वो एक्सटर्नल में होंगी और जिसके बेसिस पे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है इन्ही इन्हीं इन्हीं ट्रेंड्स के वजह वजह से से की कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है इन्हीं ट्रेंड इशूज की वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद हो सकता है तो हर ऑर्गेनाइजेशन को इन इन्वामेंट के बारे में पता होना चाहिए कि

टल स्कैनिंग क्या हो गया ये चेक करने का प्रोसेस हो गया जहां पे हम इफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं इन्वायमेंट में चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल मोवमेंट हो वहां पर जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं जो भी इशूज होते हैं जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं जो भी होती हैं उसको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग गैदर करते हैं और उसका रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल मोवमेंट से हम सिलेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका तो इंटरनल वो इन्वयमेंटल स्कैनिंग कहलाता है द बेसिक परपज़ ऑफ इन्वॉयमेंटल स्कैनिंग इज टू हेल्प द मैनेजमेंट डिटरमाइन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो इन्वायमेंटल स्कैनिंग किस परपज से करते हैं ताकि हम जो है मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइन कर सके और फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है उसको वो डिसाइड कर सके इसलिए हम इन्वायमेंटल स्कैनिंग करते हैं यानी कि अगर हम टोटली totally कहें तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि कब कहाँ कैसा डिसीजन लेना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो इंपॉर्टेंट चार चीज़ें हमने बताई कि इन्वायमेंट स्कैनिंग में हम आपको चार इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी होती

नहीं होती है और वहीं पे ये डायनेमिक प्रोसेस यानी कि एनवायरमेंट क्या है डायनेमिक है चेंज होता रहता है ये भी एनवायरमेंटल स्कैन क्या है डायनेमिक प्रोसेस है तो आपको डायनेमिकली यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं और इसी वजह से आपको कंटीन्यूअसली एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना रहता है तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग आप समझ में गए होंगे कि

को हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है उसकी क्या वीकनेस है और बाहर एक्सटर्नल में कहां अपॉर्चुनिटी है और पे किन चीज़ों से थ्रेट यानी खतरा है तो स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स गिव इट एडवांटेज ओवर इट्स यानी कि हमारा स्ट्रेंथ है इस मामले में हमसे कोई आगे नहीं जाता है सपोज कि क्वालिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी स्ट्रेंथ है वो क्वालिटी कोई दूसरी कंपनी नहीं दे सकती तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी उसकी क्या होगी स्ट्रेंथ हो गई एम्प्लॉई वो इंप्लॉय सिर्फ के

नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ओ से अपॉर्चुनिटीज हो होगी अपॉर्चुनिटीज मतलब कि बहुत सारे इनवायमेंट में ऐसी घटनाएं घट रही होती है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप वहां पे अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर ले तो आप सक्सेसफुल हो सकते तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है उसको ग्रैप करना है एलिमेंट्स इन ए कंपनीज एक्सटर्नल इन्वायमेंट दैट अलाउड इट टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी तो हर जगह बहुत सारे मौके होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करता है उसको प्रॉफिट हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी को आपको तलाश करते रहना है जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और वहीं पर थ्रेड बहुत सारे ऐसे बाहर एक्सटर्नल इन्वयरमेंट में चीजें हो रही होती है जिसकी वजह से आपको खतरा भी हो सकता है तो आपको उसको भी आइडेंटिफाई करना है और उससे हैंडल करने के लिए तैयार रहना है एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल एक्सटर्नलेंट दैट कुड इन डेंजर द इंटीग्रिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डेंजर में डाल सकते हैं खतरे में डाल सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है तो वीकनेस और थ्रेट को हटाना है स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करना है शॉर्ट एनालिसिस ये क्या है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का तरीका है नेक्स्ट टेक्निक स्कैनिंग का दैट इज पेस्टल ई एस टी एल ये क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल और लीगल ये आपका पेस्टल का फॉर्म होता है पॉलिटिकल पी से पॉलिटिकल जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी करप्शन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टैक्स पॉलिसी क्या है लेबर लॉज क्या है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं एग्जिम पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो आपके जो है चार्जेस लगते हैं वो सारी चीज़ें तो आपको इस इन्वायरमेंट के बारे में पता रहना चाहिए कि कब कहाँ पर कौन सी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज हो रही हैं कौन से लॉज चेंज हो रहे हैं कौन से रेट्स चेंज हो रहे हैं कौन से कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इसी तरीके से इकोनॉमिकल हो गया तो इकोनॉमिकल में इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन रेट में क्या चेंज हो रहा है डिस्पोजेबल इनकम घट रही है बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है घट रहा है कि बढ़ रहा है आप आपको इसके बारे में आइडेंटिफाई करके हमेशा आपको डेट रहना है और अपने अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी है इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है इंप्रूव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरीके से सोशल सोशल में पॉल ग्रोथ रेट क्या है एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है करियर एटीट्यूड क्या है लोगों के बीच में कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं प्राइवेट नौकरी के पीछे भाग रहे हैं बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं क्या है सेफ्टी एम्फेसिस क्या है हेल्थ कॉन्सियसनेस कितनी है लाइफ स्टाइल कैसा है एटीट्यूड कैसा है कल्चर वेरियस कौन कौन से हैं आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए और यहीं से आपकी स्ट्रेंथ भी बनती है आपका वीकनेस भी आपका अपॉर्चुनिटी मिलती है और इन्हीं चीज़ों से आपको थ्रेड भी होता है फिर है आपका टेक्नोलॉजिकल तो टेक्नोलॉजिकल में कौन कौन से एडवांसमेंट हो रहे हैं जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर हो रही है डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रहा है तो अगर आप आज के टाइम पर डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं आएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटिलिटी कम होगी तो आपको ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो आपके टेक्निकल टेक्नोलॉजी इंसेंटिव लेवल ऑफ इनोवेशन ऑटोमेशन आर एंड डी एक्टिविटी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी आप कंडक्ट कर रहे हो टेक्नोजिकल चेंजेस को ध्यान रहे टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस भी आपके अंदर है नेक्स्ट इन्वॉर्वमेंट है इवायरमेंटल यानी कि वेदर क्लाइमेट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्लाइमेट चेंज प्रेशर फ्रॉम एन जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी वजह से कुछ भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं कि आप जो है ये चीज़ नहीं कर सकते इससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें भी स्कैन करके देखने क्योंकि यहाँ से भी आपको खतरा हो सकता है कि सपोज करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से मैन्यूफेक्चरंग कंपनी से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचा तो आपके अगेंस्ट केस भी दिया जा सकता है जिसकी वजह से आपकी मैनुफैक्चरिंग रुक सकती है या फिर आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ब्रांड इमेज खराब हो सकता है तो आपको इस इन्वायरमेंट को भी स्कैन करते रहना चाहिए वहीं पर लास्ट है लीगल यानी डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंटी वायरस लॉज एम्प्लॉयमेंट लॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हो गया कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ हेल्थ लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो बहुत सारे लॉज है बहुत सारे एक्ट हैं तो आपको उस एक्ट को उस लॉज को भी फॉलो करके ही चलना है तो आपको इसके बारे में भी अप टू डेट होना चाहिए तो इन्वायमेंटल स्क्रेनिंग का जस्ट मतलब क्या है कि आपको सारे इन्वायरमेंट के बारे में जो भी फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉमेसन होनी चाहिए सारे रूल रेगुलेशन को आपको सही से फॉलो करना है सारे लॉज को सही से फॉलो करना है सोसाइटी को जो नॉर्म्स होते हैं उसको सही से फॉलो करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प करना है टेक्नोलॉजी को अपडेट रखना है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना हैंडल करना है सेटअप करना है को, तो पेस्टल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल और लीगल ये होता है पेस्टल एनालिसिस नेक्स्ट टेक्निक है आपका टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग दैट इज ई टॉप ईटॉप यानी कि एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल हम यहां क्या कहते हैं कि एनवायरमेंट में किन किन चीजों से थ्रेट है और किन किन चीजों से अपॉर्चुनिटी है किन किन चीजों में अपॉर्चुनिटी है उसका एक प्रोफाइल तैयार करते हैं तो क्या कहलाता है ईटॉप इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग स्ट्रेटिक डिसीजन तो ईटॉप एनालिसिस में क्या करते हैं हम कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का प्रोफाइल तैयार करते हैं और उसमें जो है जो कि हेल्प करता है स्ट्रेटिक में, ETOP, and जो है, है, है डेवलप किया था बर्ट नैनस एंड सेलविन एंजर ने क्वेश्चन तो, क्या है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक दिस इज टेक्निक स्कैनिंग प्रोसीजर डिजाइन टू एसिस्ट एग्जीक्यूटर एंड प्लानर टू कीप साइड बाई साइड ऑफ चेंज एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर दर्गनाइजेशनल स्ट्रेटीज एंड प्लान तो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक यानी कि क्विकली जो हम इन्वयरमेंट को स्कैन कर लेते हैं जैसे कि हम हमारे बिजनेस ऑर्गेइजेशन में जो बिजनेस है वो चल रहा है साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं उसका क्या 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 इंप्लीकेशन हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के स्टेटीज और प्लान पे स्ट्रेट पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में हम उसको जानकारी रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजीज ए प्लान्स को भी डेवलप करते हैं तो क्वेश्चन यानी कि क्विकली इन्वायरमेंट स्कैन कर लेते हैं और उसका क्या इंप्लीकेशन पढ़ने वाला है? उसको हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रख लें तो उसके लिए स्ट्रेटजीज और प्लान्स तैयार करके रखते हैं तो क्वेस्ट होता है तो ये किससे ज्यादा डेवलप किया गया था बर्ट नैनसेंड सेल्विन एंजर ने इसको डेवलप किया था